स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। नेपाल में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। 40 से ज्यादा भारतीय लोगों को लेकर जा रही एक बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 29 लोगों को बचाया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल एवं पुलिस के जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अभी ताजा जानकारी के अनुसार 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 15 लोग घायल हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। बस का ड्राइवर मुर्तजा गोरखपुर का रहने वाला है। इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुबह पोखरा से काठमांडू के लिए चली बस नेपाली समय के अनुसार लगभग 11:30 बजे पहाड़ी से सैलाब आने के बाद खिसक कर नदी के तलहटी में चली गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस की गहरी खाई में होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी परेशानी आ रही है। वहीं नेपाली प्रशासन पूरे जोरों शोरों से बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तनहू के SP वीरेंद्र शाही ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्ते, आज हम जहाँ इंडियन बस की दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र में है, जो कि पोखरा से 2 दिन रुक के आज काठमांडू जाने वाली बस गोरखपुर की केसरवानी परिवहन की बस थी, जो जिसमें महाराष्ट्र के कुछ लोग तीर्थयात्रा के लिए नेपाल आए हुए थे। आज सुबह में बहुत भयानक दुर्घटना हुई। बस अभी भी खाई में है, कुछ लोगों का उद्धार हुआ है अभी, और कुछ लोग का हमें अभी प्रशासन के साथ में मिलकर हॉस्पिटल पहुँचा है 12 लोग को। कुछ लोग का अभी बॉडी नहीं निकाला नहीं है, एकदम ही दर्दनाक स्थिति है, देखने के लायक नहीं है। आज नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, आर्मी सब लगे हुए हैं, रेस्क्यू चालू है। और ऐसा जगह था है जो कि हेलीकॉप्टर से संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों पहाड़ के बीच में नीचे नदी में गिरी हुई बस है। पर यहाँ की प्रशासन लगी हुई है और सब जितने जीवित लोग थे उनको पहला उद्धार करके और जो डेथ हुई है उनको बाद में निकाला जाएगा, यहाँ की प्रशासन की कहना है। बहुत दर्दनाक घटना है, जिससे आज पूरा नेपाल एकदम आर्मीहित है। क्या करें, भगवान की यही इच्छा थी, यही बोल सकते हैं, पर खतरनाक दुर्घटना थी। मुझे लगता है इसके कारण अभी नेपाल में जो पर्यटन आ रहे थे, मुझे लगता है इसमें कमी आएगी, जो नेपाल के लिए दुर्भाग्य है। वहीं इस दुखद घटना ने स्थानीय समुदाय और यात्रियों के बीच चिंता और शोक की लहर पैदा कर दी है। प्रशासन और बचाव दल इस हादसे की सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें, नेपाल में बीते महीने जुलाई में भी बड़ा हादसा सामने आया था। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई थी। इस हादसे में 7 भारतीयों की मौत हो गई थी, जबकि बस में सवार करीब 62 यात्री लापता हो गए थे, जिनमें से कुछ के बाद में शव मिले और कुछ को बचाया गया। नेपाल से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। जाहिर है, नेपाल में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं और कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिनमें पहाड़ी और घाटी वाले रास्तों पर अनियंत्रित बसें नदी में गिर गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान होता है। कई बार भारतीय नागरिक इन हादसों का शिकार हुए हैं। इन घटनाओं के कारणों के अक्सर खराब सड़क की स्थिति, बसों की खराब देखभाल और ड्राइविंग में लापरवाही शामिल होती है। भारतीय नागरिकों की मौत ने दोनों देशों के बीच सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।